क्या आपको पता है 3 ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां मैदान के अंदर ही एक पेड़ है। जी हां, ऐसा सबसे पहला मैदान है साउथ अफ्रीकन शहर पीटर मैरिट्सबर्ग का सिटी ओवल क्रिकेट ग्राउंड। पीटर मैरिट्सबर्ग ही वह शहर है जहां सन 1893 में महात्मा गांधी को गोरे पुलिस अधिकारियों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि एक भारतीय का उस समय साउथ अफ्रीका की ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास में सफर करना प्रतिबंधित था। बहरहाल, पीटर मैरिट्सबर्ग के सिटी ओवल में सन 1894 से प्रथम श्रेणी के मैच आयोजित हो रहे हैं। 2003 के विश्व कप के दौरान यहां दो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी आयोजित किए गए, जिसमें से एक मैच भारत और नामीबिया के बीच में भी था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली दोनों ने ही शतक लगाए थे। सिटी ओवल मैदान के अंदर ही बाउंड्री के पास एक ओक का पेड़ है जो कि लगभग 135 साल पुराना है। इस मैदान का यह नियम है कि अगर बैट्समैन शॉट मारता है और इस पेड़ से टकराकर बॉल रुक जाती है तो बैट्समैन को 4 रन दे दिए जाते हैं। इसी तरह से नीदरलैंड्स के एम्स्टरवीन शहर के वियरे क्रिकेट ग्राउंड में भी बाउंड्री के अंदर ये बड़ा सा पेड़ है। हालांकि नीदरलैंड्स कोई बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेल पाता, मगर वियरे क्रिकेट ग्राउंड में सन 1978 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जा रहा है। 2004 में तो इस मैदान पर वीडियोकॉन कप के दौरान चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान ने भी एक मैच खेला था। इसी तरह से इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट क्लब कैंट के होम ग्राउंड सेंट लॉरेंस ग्राउंड, जिसे अब स्पिटफायर लॉरेंस ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, इसका भी एक पेड़ से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। सेंट लॉरेंस ग्राउंड दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट मैदानों में से एक है, और जब सन 1847 में इस मैदान पर क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई तब से इस मैदान में बाउंड्री के अंदर एक लाइम ट्री हुआ करता था। मैदान में बॉल के पेड़ से टकराने पर बल्लेबाज को 4 रन दे दिए जाते थे। यह पेड़ साल 2005 तक आते आते फंगस की बीमारी से बिल्कुल ही कमजोर हो गया था, और जनवरी 2005 में एक आंधी की वजह से आखिरकार यह पेड़ अपनी जड़ से उखड़ गया। मगर तब तक इस पेड़ के मैदान में मौजूद रहते हुए सेंट लॉरेंस ग्राउंड में ढेरों प्रथम श्रेणी के मैच और 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले गए, जिसमें सन 1999 वर्ल्ड कप का एक मैच भी शामिल है। 150 साल से भी पुराने इस लाइम ट्री की याद में सेंट लॉरेंस ग्राउंड में एक नया लाइम ट्री भी लगाया गया, मगर अब यह बाउंड्री के बाहर ही है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।